देखते देखते आ गया है दिसंबर और एक महीने में हो जाएगा ये साल खत्म लेकिन अगर आपको सिलेक्शन का सपना करना है साकार तो इस 27 से 30 नवंबर आ गया है एंड ऑफ नवंबर सेल करो सुपर से ऊपर की तैयारी अपटू 90% परसेंट ऑफ एंड 50% परसेंट एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए जी कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक वन सेकेंड टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग मेरा नाम है कोचिंग्वर शर्मा और एस बी आई क्लर्क एग्जाम हमारा आने वाला है है ना और वहां पर हम लोग ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में 35 में से 35 उड़ाकर आने हैं और उड़ाकर आने हैं मतलब करेक्ट करके कर आने और 35 में से 35 मार्क्स हमें लेकर आने हैं है ना तो उसी टारगेट के लिए हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं रात को आठ बजे तो एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हाय गुड इवनिंग एवरीवन हाय अजीत स्वाति जितने भी लोग सेशन में जुड़ चुके हैं श्रेया सभी का बहुत बहुत स्वागत है है ना तो टारगेट हमारा डेली बेसिस पर यही है जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं बहुत अच्छे से उनको सॉल्व करें विद द गिवन टाइम उन्हें सॉल्व करें ताकि एग्जाम तक आते आते, आते आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए ओके हाय दानिश गुड इवनिंग तो एक बार फटाफट थम्सअप मार्क करके सभी लोग बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो जो आप सभी तक पहुंच रहा है वो एकदम परफेक्टली फाइन है एकदम क्लियर है कोई भी लैग नहीं है कोई भी बफर नहीं है है ना फटाफट से बता दीजिए हाय दीक्षा हेलो गुड इवनिंग जल्दी फटाफट ऑल क्लियर है ऑल क्लियर है चलो तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे वॉल ऑफ कॉमेंट्स वॉल ऑफ कॉमेंट्स क्या होता है भाई जितने भी लोग होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मार्क करते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं प्रीवियस वीडियो के नीचे उनका नाम यहाँ पर लिया जाता है तो स्वीटी अजीत सत्यांशु गेमर रोहन देन प्रतिभा वैष्णवी यूजर कुछ ऐसा नाम है और चिराग इन सभी लोगों ने वीडियो के नीचे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है तो वेरी गुड वेरी वेल डन है ना

सबके आंसर मैच करें तो सही ही होगा ठीक है और जो आपका वो सितार और पियानो वाला क्वेश्चन था ना वो मैंने आज सुबह वाले सेशन में करवा दिया है जिसको भी डाउट था वो सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल था ना जिसमें आपको वेरिएबल दिए गए थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो मैंने सवाल आज मॉर्निंग के सेशन में करवा दिया था जिनको भी डाउट था वो जाकर एक बार देख लेना ठीक है चलो बेहद ही आसान कंपैरिजन बेस्ड पजल आपके सामने है जल्दी जल्दी से डन कर लीजिए भैया है ना बहुत ही आसान सवाल है इससे आसान सवाल आपको नहीं मिल सकता ओके okay? दस सेकंड और स्वाति का डन है वेरी गुड श्रेया का भी डन है बहुत बढ़िया चलिए जो आपका समय है वो हो चुका है समाप्त चलते हैं क्वेश्चंस की ओर क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे जल्दी से इनके आंसर्स को मार्क करेंगे और ये चेक कर लेंगे कि हमारा अरेंजमेंट सही से बन चुका है या नहीं चलिए भाई फटाफट जल्दी से सॉल्व करेंगे दो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है देखना होगा आंसर क्या निकल के आते हुए ओके समय हो चुका है समाप्त टू uh, टू हमें आंसर देखने को मिलते हुए चेक करेंगे आंसर क्या है बिल्कुल टू टू आर द करेक्ट आंसर अगर आपके आंसर टू टू है तो वेरी गुड वेरी वेल डन आपका अरेंजमेंट एकदम सही बना है ना तो चेक करते हैं किस प्रकार से इस अरेंजमेंट को हम बना सकते हैं और कैसा रहेगा हमारा करेक्ट अरेंजमेंट है ना तो सिंपल सी बात है हमें कंपैरिजन करना है छह हमारे पास स्टोर्स हैं जिन्होंने अलग अलग दिनों पर एलईडी बेची है ठीक है ना तो छह स्टोर्स का अरेंजमेंट है एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक है? छह स्टोर्स हो गए है ना अब क्या बोला है बी सोल्ड मोर एलईडी देन ई बट लेस देन बोथ डी एंड एफ बी का जो नंबर है वो एफ से ज्यादा है ठीक अच्छा, e है अच्छा ई से ज्यादा है और डी और एफ से कम है ठीक है फिर ए सोल्ड लेस देन ई है ना बट मोर देन सी तो आप क्लियरली देख सकते हो एंड के चार तो आपको मिल गए है ना जो एंड के आपके चार हैं वो तो आपको मिल गए क्लियरली अब डी और एफ के बीच आपको क्या करना है कहानी को चेक करना है हाय सोनू गुड इवनिंग सो so, यहां पर बोला द स्टोर विच हैज सोल्ड सेकंड हाईएस्ट इज ट्वेंटी नाइन और d के लिए बोला गया d प्राइम नंबर सॉल्व नहीं करता तो d आ जाएगा यहां पर और यहां पर आ जाएगा f फिर बोला गया मिनिमम कितनी सेल की गई छह इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट बन जाएगा बेहद ही आसान सवाल था है ना इसको आप 30 से 40 सेकंड्स में कर सकते थे ऑलराइट चलो अगला सवाल चाइनीस कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है फटाफट सॉल्व करेंगे जल्दी से चाइनीस कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है आपको 45 सेकंड्स यहां पर इसलिए दिए गए हैं जिससे कि आप बाकी सारे कोर्स को भी फाइंड आउट कर ले है ना हाँ बिल्कुल तुम सबसे ज्यादा ईमानदार तुम ही हो <laughs> है ना आ, तीस अक्टूबर आपकी डेट है लेकिन फॉर्म पे डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन तो आई थिंक आप एज के जो क्राइटेरिया उससे बाहर हो चुके हैं ऋतु है ना है ना आप एज क्राइटेरिया से बाहर हो चुके हैं फिर तो क्योंकि दो नवंबर से लोग काउंट कर रहे हैं ना और आप सितंबर में आप कुछ मंथ्स बड़े हैं एज क्राइटेरिया से ठीक है क्योंकि नवंबर से आपकी एज काउंट हो रही है और आपका एज सितंबर है ठीक है तो दैट्स वाई आपका फॉर्म फिर फिल नहीं हो रहा है ठीक है चलो चेक करते हैं यहाँ पर आंसर क्या आंसर निकल के आएगा डी आई एन है ना सभी ने देख ही लिया था है ना एक्सेप्ट कर लो देख लिया था ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक्सेप्ट कर लो आंसर देख लिया था ठीक है ना चलो अगले सवाल पर चलते हैं अगले सवाल का चेक करते हैं आंसर क्या आना चाहिए ऑलवेज का कोड आपसे पूछा गया देखते हैं कौन मार्क करता है ऑलवेज का कोड ऑलवेज <coughs> का कोड देखो भाई बताओ जल्दी से चलिए मीना बोल रहे ऑप्शन नंबर फोर दानिश का भी ऑप्शन नंबर फोर है स्वाति बोल रहे हैं फाइव अलग अलग आंसर्स निकल के आते हुए है ना चेक करना होगा करेक्ट आंसर क्या होगा ओके चलिए समय समाप्त आंसर को चेक किया जाए आंसर हमारा जो निकल के आने वाला है नन ऑफ दीज वेरी गुड वेरी वेल डन आपसे ऑलवेज का कोड पूछा गया है ठीक है ऑलवेज देखो आपका फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन है ऑलवेज है आपका फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन है ठीक है अब यहां से आपको gin कोड मिल रहा है और gin आपका ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है और जब ऑप्शन में हमारा आंसर प्रेजेंट नहीं होता तो हम क्या मार्क करते, है? करते हैं ऑप्शन नंबर फाइव मार्क करते हैं वेरी गुड अगला सवाल पैसेंजर स्टॉप्ड का कोड आपसे पूछा गया है बताइए भाई जल्दी से क्या निकल के आएगा पैसेंजर स्टॉप्ड का कोड ओके चलिए वेटिंग फॉर द आंसर्स चलिए समय समाप्त आंसर क्या आएगा भाई किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक ओके स्वाति बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थ्री श्रेया का भी ऑप्शन नंबर थ्री है चेक करते हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर थ्री इज द आंसर कैसे आएगा देखो पैसेंजर्स स्टॉप है ना पैसेंजर्स आपके पास यहां पर प्रेजेंट है, है ना अगर बात की जाए तो सिर्फ आपको यहां से लेट ऑल और वर ये सब गायब हो जाएंगे आपको सिर्फ ऐसा कोड पकड़ना है जो यहां पर प्रेजेंट रहेगा डी आई एन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है वी आई एन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है एफ आई एन ऑलरेडी आपका रिपीट हो चुका है दैट मुझे एक चीज पता लग गई पैसेंजर्स का कोड कितना आएगा के आई एन क्या के आई एन यहाँ प्रेजेंट है नहीं क्या के आई यहाँ प्रेजेंट है नहीं ठीक है तो सेकेंड और थर्ड में आपका काम चलेगा फिर स्टॉप का आपसे कोड पूछा जा रहा है क्या वी आई एन स्टॉप का कोड हो सकता है नहीं क्या होगा आ रहान होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री बेहद ही आसान क्वेश्चन था आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना था ठीक है भाई चलिए अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सभी के सामने आ चुकी है बेहद ही आसान से सवाल होते हैं ये है ना चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या निकल के आ सकता है जल्दी जल्दी चलिए आंसर क्या है सिक्स 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 ओके चलो सिक्स हमारा ऑप्शन नंबर फोर है कुछ लोग फाइव बोल रहे हैं तो सिक्स और सेवन के बीच कहानी चल रही है है ना हमारे पास आंसर यहां से क्या निकल के आने वाला है एक मिनट रुकेंगे जरा आई थिंक क्वेश्चंस थोड़े आगे पीछे हो गए वेट हाँ आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर फाइव दैट इज सेवन ठीक है ऑप्शन नंबर फाइव दैट इज सेवन इज द करेक्ट आंसर कैसे आएगा ध्यान से देखो यहां पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट तो भैया 372 होगा ना और 372 का सेकेंड डिजिट क्या होगा सेवन तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सेवन आ जाएगा ठीक है ना क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेवन ठीक है चलो आगे चलते नेक्स्ट पहले ये दो सिलोगिज्म के सवाल सॉल्व कर लो है ना पहले ये दो सिलोगिज्म के सवाल सॉल्व कर लो उसके बाद फिर हम न्यूमेरिक कंटिन्यू करते हैं ना ये बीच में पेस्ट हो गए हैं फिर आगे हम जाएंगे तो इनको भूल जाएंगे ओके तो पहले जरा इन दोनों सवालों को सॉल्व कर लेंगे देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है यहां पर <laughs> ऑप्शन नंबर फाइव बोल रहे हैं रोहन मीना भी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फाइव दानिश का भी ऑप्शन नंबर फाइव है चेक करेंगे आंसर क्या है आ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फाइव इज द करेक्ट आंसर किस प्रकार से आएगा ध्यान से देखेंगे यहां पर बोला है सम कॉपी आर नॉट पेन ठीक है सम कॉपी आर नॉट पेन फिर ओनली अ फ्यू पेन आर मार्कर ठीक है देन ओनली मार्कर इज स्केच मतलब स्केच आपका कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा बन गया डायग्राम पहला बोल रहा है सम पेन बींग मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी सम पेन मार्कर आपको ऑलरेडी दिख रहा है तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी सही होगी नहीं होगी पहला गलत हो गया दूसरा ऑल मार्कर बींग कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी ऑल मार्कर बींग कॉपी क्या पूरा का पूरा मार्कर कॉपी के अंदर जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि ये स्केच हमारा जो है ओनली की तरह रिलेटेड है तो ये हमारा गलत हो गया ठीक है अनु सेकंड फॉलो नहीं करेगा जो आपका स्केच है ये ओनली से रिलेटेड है है ना और ये स्केच ना ही पी से रिलेशन रखेगा ना ही सी से रिलेशन रखेगा आपको यहां पर रिलेशन क्या मिलेगा ध्यान से देखो नो एस इज पी एंड नो एस इज सी जब आपको ये रिलेशन मिल रहे हैं तो क्या पूरा का पूरा एम किसी और से रिलेट कर सकता है नहीं कर सकता सेकंड आपका गलत हो जाएगा फिर बोल रहा है, अ पॉसिबिलिटी मुझे रिलेशन मिल रहा है सम नॉट का और सम नॉट के केस में ऑल हमेशा फॉल्स होता है तो ये भी गलत हो गया आंसर क्या निकल के आ जाएगा नन फॉलोस ओके चलो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं हाय चांदनी हेलो वेलकम टू द सेशन चलिए फटाफट करेंगे सॉल्व और बताएंगे क्या आएगा आंसर अगेन नन फॉलोस आंसर निकल के आता हुआ और राइट right, चलो चेक करेंगे सभी लोग मार्क करें भाई आंसर नन फॉलोज ही है क्या और राइट right, चलो चेक करते हैं बिल्कुल नन फॉलोज इज द आंसर क्या बोला है ओनली अ फ्यू ऑरेंज इज एप्पल तो ओनली अ फ्यू ऑरेंज हमारा इस प्रकार से एप्पल हो जाएगा है ना देन सम एप्पल आर मैंगो ये हो गया देन ओनली मैंगो इज पियर तो ये पियर आपका यहां आ जाएगा ठीक है क्या बोला है सम मैंगो बींग पियर इज अ पॉसिबिलिटी गलत है भैया मैंगो तो पियर के अंदर ही है और सम मैंगो ऑलरेडी पियर है क्योंकि हम जानते हैं जब ऑल ट्रू होता है तो उन सेट्स के लिए सम भी ट्रू होता है और कोई चीज पहले से ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी फॉल्स होती है है ना सम ऑरेंजेस आर नॉट मैंगो ऑरेंज और मैंगो के बीच कोई रिलेशन नहीं अगर पता है यहां पर क्या दिया रहता यहां पर कुछ इस प्रकार से देता सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज है ना अगर आपको ये देता सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज ये सही हो जाता बिकॉज ऑफ पियर है ना क्योंकि पियर ऑरेंज से नो का रिलेशन रखेगा तो ये सही हो जाता बट ऑरेंज की तरफ से सम नॉट पूछा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा है ना फिर बोल रहा है सम पियर पियर एप्पल एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी तो apple से नो no का रिलेशन रखेगा आपको रिलेशन मिलेगा नो पियर इज एप्पल और नो no के केस में आपकी किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी सही नहीं होती ये भी गलत हो गया आंसर क्या आ जाएगा नन फॉलोस ओके आई होप कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है अल्फा न्यूमेरिक कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे किस प्रकार से आपका आंसर यहां से निकल कर आ सकता है ओके वेटिंग फॉर आंसर्स क्या आएंगे आंसर जल्दी बताइए भाई फटाफट चलिए ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू के साथ सभी लोग जाते हुए अच्छा फोर टू दैट मीन ऑप्शन क्या बोला है ना थ्री सेवनटी टू को देखा जाए तो डिविजिबल हो जाएगा है ना सेवन नाइनटी एट को देखा जाए डिविजिबल हो जाएगा छह तीन नौ नहीं ये डिविजिबल नहीं होगा Uh, सत्ताइस ये भी डिविजिबल नहीं होगा आपके पास एट सिक्सटी फाइव और टू एट्टी वन डिविजिबल नहीं है बाकी सारे के सारे नंबर डिविजिबल है आंसर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा है ना यहाँ पर आप गलती क्या कर सकते हो यहाँ पर आप गलती क्या करोगे आप नॉट को नहीं पढ़ोगे है ना और आपको लगेगा मुझे डिविजिबल बाय थ्री कितने नंबर है वो बताना है और डिविजिबल बाय थ्री तो तीन हो रहे हैं वहां पर आप गलती कर दोगे और थ्री मार्क कर दोगे है ना तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है ठीक है चलो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फटाफट सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर निकल के आ सकता है जल्दी से फटाफट देखते हैं क्या आंसर निकल के आ सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वेटिंग फॉर द आंसर जल्दी से मार्क करेंगे भैया आंसर फटाफट स्पीड में ओके ऑप्शन नंबर टू सभी लोग ऑप्शन नंबर टू के साथ जाते हुए चेक करेंगे ऑप्शन नंबर टू हमारा आंसर होगा कि नहीं बिल्कुल ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर कैसे आया क्या बोला है इफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट आपको सेकेंड स्मॉलेस्ट देखना है यहां पर भी आप गलती क्या कर सकते हो आपने मान लीजिए सेकंड ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप स्मॉलेस्ट मार्क कर दोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा तो अगेन बार बार मैं आपको बोल रहा हूं हर एक सेशन में बोल रहा हूं सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ना है ठीक है तो यहां पर आपको सेकंड स्मॉलेस्ट बताना है अब फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करना है ये सिक्स से स्टार्ट होगा ये सेवन से स्टार्ट होगा ये नाइन से स्टार्ट होगा ये सिक्स से स्टार्ट होगा ये एट से स्टार्ट होगा है ना ये हो जाएगा सिक्स फाइव ये हो जाएगा सिक्स एट ये है स्मॉलेस्ट ये है सेकेंड स्मॉलेस्ट तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये हो गया बना किससे एट सिक्सटी फाइव से तो आपका आंसर कितना हो जाएगा एट सिक्स है ना जितने भी लोग फाइव सिक्सटी वन आंसर मार्क कर रहे हैं ना उन्होंने सेकेंड ध्यान से नहीं पढ़ा है है ना अभी आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा था और आपको एग्जाम्पल मिल भी गया है ना जितने भी लोग फाइव सिक्सटी वन मार्क कर रहे हैं उन लोगों ने सेकेंड स्मॉलेस्ट नहीं पढ़ा उन्होंने स्मॉलेस्ट पढ़ लिया है ठीक है ना तो ये गलती आप लोग अवॉइड कीजिएगा एग्जाम में और राइट right? चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ चुका है फटाफट सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आ सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चलिए आंसर का इंतजार क्या है भाई आंसर हम्म ऑप्शन नंबर फाइव के साथ सभी लोग जाते हुए चेक करेंगे आंसर क्या है भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर फाइव इज द करेक्ट आंसर क्या बोला है भाई अगर सभी नंबर्स की पहली संख्या से दो घटा दिया जाएगा तो श्रृंखला में तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो देखो भाई जो आपका नंबर एक्चुअल में थर्ड हाईएस्ट है वो ही थर्ड हाईएस्ट रहेगा यह हाईएस्ट यह सेकंड हाईएस्ट यह है आपका थर्ड हाईएस्ट है ना तो यही नंबर आपका थर्ड हाईएस्ट रहेगा बट आपको एक्चुअल नंबर क्या आएगा वो पूछा हुआ है तो फाइव में से आप टू घटा दीजिए आपके पास थ्री सिक्सटी वन आंसर निकल कर आ जाएगा ओके थ्री सिक्सटी वन विल बी द करेक्ट आंसर सही है चलो अगले सवाल पर चलते हैं अगले सवाल पर चलने से पहले भैया जितने भी लोग सेशन में ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो सेशन को है ना जब तक लाइक like का काउंट बढ़ता रहेगा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और जैसे ही मुझे अच्छा लगने लगेगा आपका सेशन और भी बेहतरीन होता जाएगा ठीक है सेशन को लाइक करो जरा फटाफट सभी लोग ऐसे जितने भी लोग हैं सेशन में बैठे हुए हैं और सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं जल्दी से जरा लाइक कर दो है ना फटा फटाफट दो सेकेंड का काम है बस लाइक पे क्लिक करना है ठीक है चलो फटाफट फटाफट जल्दी से स्पीड में ओके okay? तो कर चुके हैं सभी लोग लाइक वेरी गुड चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल आपके सामने ये रहा सॉल्व करेंगे जल्दी से बताएंगे आंसर मार्क करेंगे फटाफट से थैंक यू सो मच श्रेया थैंक यू सो वेरी मच क्वेश्चन के आंसर को मार्क करेंगे सूरज बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थ्री स्वाति का भी ऑप्शन नंबर थ्री है रोहन का भी ऑप्शन नंबर थ्री है राइट right. चलिए चेक करेंगे एक्चुअल में आंसर क्या है आंसर 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 बिल्कुल ऑप्शन नंबर दैट इज कैसे आया क्या बोला है देखो इफ ऑल द डिजिट विद इन द नंबर इज अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड ये चेंज हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा ये हमारा एज इट इज रहेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा बहुत ही आसान सवाल था ठीक है चलिए नेक्स्ट आपके पास आ चुका है ब्लड रिलेशन का सवाल ठीक है ब्लड रिलेशन का सवाल आपके सामने आ चुका है फटाफट सॉल्व करेंगे जल्दी से हाँ श्रेया नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिखाना ही है, है ना प्रीवियस क्वेश्चन पर तो स्लाइड नहीं रुकी रहेगी है, है ना बट अगेन जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए उनको बताना भी जरूरी है ना ओके okay? तो थोड़ा सा धैर्य रखकर चीजों को हमें आगे लेकर चलना है अगला सवाल आपके सामने आ चुका है फटाफट सॉल्व कीजिए है ना देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर लेता है सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है भाई आइए देखना होगा निगाहें कमेंट सेक्शन पर देखते हैं डन किसका निकल के आता है सबसे पहले थर्टी सेकेंड्स का टाइम और बचा आप सभी के पास देखते हैं कौन सॉल्व कर लेता है seconds more. बस भैया काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है किसी का भी डर नहीं हुआ चलिए समय समाप्त लूसीफर का डन है वेरी गुड मीना का भी डन है क्वेश्चन आपके सामने ये रहे जल्दी से इनके आंसर्स को मार्क करेंगे सभी लोग फटाफट हेलो लुसिफर गुड इवनिंग वेलकम टू तो द सेशन ओके चलिए समय होता हुआ समाप्त चेक करेंगे एक्चुअल हमारे आंसर्स क्या है आंसर्स जो हमारे निकल कर आने वाले वो है थ्री टू फाइव रोहन के आंसर्स एकदम सही है वेरी गुड रोहन वेरी वेल डन थ्री टू फाइव आर द करेक्ट आंसर्स चेक करेंगे थ्री टू फाइव जो हमारे करेक्ट आंसर है वो किस प्रकार से निकल कर आ रहे हैं और किस प्रकार से हमारा फैमिली ट्री बनेगा ठीक है तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपको दस मेंबर्स को अरेंज करना है अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ गया ये अब नाम दी गए फिल एलन टू चाओ डग जेड ट्रेसी एडी क्रीपी गार्नर है ना तो यहां पर आपको चाऊ और क्रीपी के नाम में बस कंफ्यूजन होगा क्योंकि लेटर सही है बाकी के लेटर्स अलग अलग है ना तो चाऊ के लिए आप सी एच ले लो क्रीपी के लिए आप सी आर ले लो अंडरस्टूड सी बात है क्या बोला है ट्रेसी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ डग ठीक है ट्रेसी हमारे पास क्या है पैटर्नल ग्रैंड मदर डग की ठीक है हु इज द सिस्टर ऑफ जेड तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी जेड की सिस्टर हो जाएगी क्लियर है कोई दिक्कत कोई परेशानी उसके बाद हमें क्या बोला गया अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो यहां से देखो क्या बोला है गार्नर इज द ओनली डॉटर ऑफ क्रीपी हु इज टू ओनली सन ऑफ है ना अभी चाओ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आगे देखते हैं आगे देखो क्या बोला है एलन इज द ब्रदर ऑफ एडी हु इज ओनली डॉटर ऑफ फिल है ना फिल की बात हो गई अब एक काम करते हैं हमने इनको तो बना लिया ट्रेसी और इसको आगे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ठीक है अब देखो इज़ इज़ द द चाओ हु फादर ऑफ एलन चाओ क्या है एलन का फादर है है ना और Alan के बारे में आपको एक और कंडीशन मिल रही है एलन इज द ब्रदर ऑफ एडी है ना एलन क्या है ब्रदर ऑफ एडी है तो क्या करें यहां पर कहीं बना लेते हैं दूर एडी हमारे पास ये है, है ना और एलन क्या है इसका ब्रदर है ठीक है और हमारे पास क्या है चाओ हु इज द फादर ऑफ एलन चाओ क्या है भाई एलन का फादर है ठीक है और स्टू क्या है सन इन लॉ है चाओ का सन इन लॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए एक डॉटर चाहिए ये हो गया अब देखो स्टू कहीं आ सकता है अरेंज करके देखेंगे अब देखो क्या है गार्डनर इज द ओनली डॉटर ऑफ क्रीपी हु इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ चाओ है ना चाऊ के ओनली सन से क्रीपी मैरिड है ये आ जाएगा। और गार्नर क्या है ओनली डॉटर तो गार्नर हमारे पास आ जाएगी यहां पर क्लियर कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर मेंबर्स देखे जाएं, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ एक मेंबर की कमी बच रही है है ना अब एडी हु डॉटर ऑफ फिल एडी क्या है फिल की डॉटर है फिल हमारे पास यहां आ जाएगी है ना अब हमें चाहिए कनेक्शन कनेक्शन कैसे आएगा द चाव है ना एक चीज के बारे में एक ही कंडीशन है और स्टू को अरेंज करने के लिए हमारे पास एक ही जगह बच रही है और ये हमारे पास क्या हो जाएगी स्टू की वाइफ तभी यह क्या होगा इसका सन इन लॉ होगा और इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट बन जाएगा ओके चलो आई होप सभी को समझ में आया होगा चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल पर चलने से पहले अगर आप एस बी क्लर्क 2023 की बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मिशन सिलेक्शन 2023 पेड बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं 27 नवंबर से आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है बात की जाए रीजनिंग की रीजनिंग की क्लास आपकी डेली दोपहर दो, दो बजे बैच में कंडक्ट करवाई जा रही है और इस समय कैशबुक पर चल रही एंड ऑफ नवंबर सेल अगर आप किसी भी सुपर कोचिंग प्रोडक्ट को इस समय परचेज कर सकते हैं कोड विदु को लगाकर तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एसबीआई पीओ 575 एसबीआई क्लर्क 575 बट इन सभी से बेहतर बैंक सुपर पैक जो आपको 719 नाइनटीन में मिल जाएगा साथ के साथ डेली बेसिस पर जो मेरी फ्री क्लासेस है वो यूट्यूब पर होती है सुबह ग्यारह बजे रात को आठ बजे और टेक्स बुक प्लेटफॉर्म पर दोपहर साढ़े बारह बजे इन तीनों सेशंस में जुड़कर आप अपनी रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल विधु शर्मा सर टेक्स बुक ज्वाइन कर लीजिए रीजनिंग वाले भैया ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और हर एक क्लास की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे ठीक है चलो अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है आज के सेशन की पहली पजल सॉल्व करेंगे आपका समय जो है शुरू हो चुका है चलिए भाई आपका समय जो है शुरू हो चुका है फटाफट सॉल्व करेंगे जल्दी से देखते हैं किसका सबसे पहले डन निकल के आता है यहां पर

चलिए एक मिनट बीस सेकंड्स और हैं आपके पास दैट मींस एटी सेकेंड और हैं आपके पास देखते हैं सबसे पहले कौन डन मार्क करता है स्वाति का डन है वेरी गुड वन एंड हाफ मिनट में स्वाति ने डन कर लिया बहुत ही बढ़िया है ना दैट मीन्स अब थर्टी सेकेंड आप सभी को और दिए जाएंगे श्रेया का भी डन है वेरी वेरी श्रेया। टेन मोर। फिर चलो टाइम ले लो पूरा ढाई मिनट ले लो कोई दिक्कत नहीं है, है ना बट सही सॉल्व करो दिया आपको थर्टी सेकेंड्स का टाइम और दिया है ना बट शर्त यह है पूरा सॉल्व करना है और सही सॉल्व करना है है ना ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम ले लिया और सॉल्व भी नहीं किया ओके ये मत करना ट्वेंटी सेकेंड और फटाफट सॉल्व करेंगे ओके 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 ओके, ओके। चलो समय अब हो चुका है फाइनली समाप्त चलते हैं क्वेश्चंस की ओर क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे बड़े ही इतमान से इनके आंसर्स को मार्क करना ठीक है बड़े ही इतमान से इनके आंसर्स को मार्क करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा अरेंजमेंट जो है सही से बना है या नहीं बना है ओके चलिए समय समाप्त हुआ बट अभी तक किसी के भी आंसर्स निकल निकलकर नहीं आए हैं श्रेया बोल रहे हैं फाइव वन और राइट चलो चेक करेंगे फाइव वन हमारे आंसर्स हैं या कुछ और हमारे आंसर्स हैं फाइव फाइव हमारे आंसर्स हैं ओके okay? अगर चेक किया जाए तो हमारे आंसर्स जो निकल कर आ रहे हैं वो है फाइव फाइव है ना फाइव फाइव हमारे आंसर्स हैं स्वाति के आंसर्स बिल्कुल सही वेरी गुड तो चेक करेंगे फाइव फाइव हमारे आंसर्स किस प्रकार से निकल कर आ सकते हैं है ना तो अरेंजमेंट हमें करना है बोला जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी में कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है है ना और उस कल्चरल फेस्टिवल में अलग अलग इवेंट्स होने वाले हैं सो so, टोटल अगर बात की जाए अच्छा डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे तो अलग अलग दिन पर हो रहे हैं सो मंडे ट्यूजडे वेन्सडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे है ना सात दिनों की बातचीत हो रही है तो कभी भी आपके पास डेज वाले जब क्वेश्चन आए तो उसमें यह जरूर चेक कर लेना आपको वीक की शुरुआत मंडे से दी जा रही है या संडे से दी जा रही है ठीक है गलती मत करना एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है ओके कई बार क्या होगा आपको संडे से स्टार्टिंग दे दी जाएगी आप मंडे को स्टार्टिंग लेकर बना लोगे आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है गलत हो जाएगा ओके okay. चलो तो स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट करना दो केसेस हम यहां पर ले लेते हैं अगर जरूरत पड़े तो ठीक है आ, क्या बोला है फोर इवेंट्स आर बिटवीन स्ट्रीट प्ले एंड रॉक रॉक कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट और स्ट्रीट प्ले के बीच कितने इवेंट हैं चार है ना आ, उसके बाद वन इवेंट इज स्केड बिटवीन स्ट्रीट प्ले एंड सिंगिंग कॉम्पिटिशन बॉलीवुड डांस इज इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रीट प्ले अच्छा देखो भाई स्ट्रीट प्ले और रॉक कॉन्सर्ट में चार करने हैं ठीक है और आप स्ट्रीट प्ले को लास्ट में नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रीट प्ले के बाद हमारे पास क्या है इमीडिएटली आफ्टर बॉलीवुड डांस हो रहा है है ना स्ट्रीट प्ले के इमीडिएट बाद हमारा बॉलीवुड डांस हो रहा है तो एक केस ले लेते हैं स्ट्रीट प्ले ये आ रहा है, है ना हमारा बॉलीवुड डांस ये आ रहा है फिर एक दो तीन चार है ना एक दो तीन चार के बाद मेरा क्या आ जाएगा रॉक कॉन्सर्ट एक और केस क्या बन सकता है आपका स्ट्रीट डांस ये आ गया है ना देन आपका बॉलीवुड ये आ गया देन आपका रॉक कॉन्सर्ट यहां आ गया है ना एक और केस आपका क्या बन सकता है आपका रॉक कॉन्सर्ट जो है इधर आ जाए ठीक है रॉक कॉन्सर्ट के बाद आपका जो स्ट्रीट प्ले है वो इधर आ जाए और स्ट्रीट प्ले के बाद बॉलीवुड जो आ जाए इसके नीचे है ना तीन केसेस हमारे यहां पर ये पॉसिबल है क्लियर कोई दिक्कत कोई परेशानी इन तीन केसेस को लेकर चलेंगे है ना फिर बोल रहा है द स्ट्रीट प्ले इज नॉट स्केड्यूल्ड ऑन सैटरडे क्लियरली बोल दिया गया स्ट्रीट प्ले सैटरडे को शेड्यूल नहीं किया जा सकता तो आपका थर्ड केस जो है खत्म हो गया फर्स्ट और सेकेंड केस से हम कहानी को आगे लेकर चलेंगे वन इवेंट बिटवीन स्ट्रीट प्ले एंड सिंगिंग कॉम्पिटिशन तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा सिंगिंग इधर और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा सिंगिंग इधर उसके बाद द बॉलीवुड डांस कॉम्पिटिशन इज आफ्टर स्ट्रीट पे ठीक है पोएट्री पैनल क्या है भाई पोएट्री के पहले तो पैनल आ जाएगा यहां पर पोएट्री आपका आ जाएगा इधर पैनल आपका आ गया इधर पोएट्री आपका आ गया इधर ठीक है देन पोएट्री रिसाइडल नॉट स्केड्यूल्ड ऑन थर्सडे तो पोएट्री हमारा थर्सडे में नहीं है ठीक बात है गेस्ट लेक्चर इज आफ्टर रॉक रॉक कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट के बाद गेस्ट लेक्चर यहां पर आप अरेंज नहीं कर सकते यहां पर आपका गेस्ट लेक्चर आ जाएगा और आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा ठीक है चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है जो कि एक सर्कुलर टेबल का अरेंजमेंट है है ना सर्कुलर टेबल का अरेंजमेंट है अब अगर बात की जाए तो ये हमारा थोड़ा सा हाई लेवल है है ना क्योंकि यहां पर आपको फैमिली ट्री भी बनाना है और सर्कुलर अरेंजमेंट भी बनाना है है ना तो ट्राई करो चलो ट्राई जरूर करेंगे इसको ओके ट्राई जरूर करेंगे बिना ट्राई किए हार नहीं मानेंगे है ना तो बिना ट्राई किए हार नहीं मानेंगे ट्राई जरूर करेंगे क्या पता आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो है ना अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बहुत ही अच्छी बात है फिर तो ओके चलो ट्राई जरूर करो ट्राई जरूर करेंगे सभी लोग है ना चलिए भाई देखना होगा क्या कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है या नहीं आठ व्यक्ति हैं सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं है ना सेंटर को फेस कर रहे हैं तीन मेंबर्स एक फैमिली के हैं पांच मेंबर्स दूसरी फैमिली के हैं चार फीमेल है मतलब पांच आपके मेल हो जाएंगे ठीक है चलो आई थिंक डुएबल सा लग रहा है ये किया जा सकता है इस सवाल को है ना इस सवाल को किया जा सकता है डुएबल सा दिख रहा है बाकी देखते हैं चलो अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है चलिए ट्वेंटी फाइव सेकेंड और अगर नहीं हो रहा है तो बता दीजिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्वाति ने डन कर लिया है वेरी गुड स्वाति वेरी वेल डन बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बढ़िया समय समाप्त आंसर्स को चेक करेंगे आंसर्स को चेक करेंगे और देखते हैं क्या आंसर्स यहां से निकल कर आ सकते हैं और क्या हमारे आंसर्स सही हैं या नहीं है चेक करेंगे फटाफट से ओके okay, समय हुआ समाप्त आंसर्स का इंतजार वन टू वन चलो चेक किया जाए वन टू वन हमारे आंसर्स है कि नहीं वेरी गुड वन टू वन आर द करेक्ट आंसर्स वेरी वेल डन स्वाति बहुत ही बढ़िया पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका सही बना है वेरी गुड बहुत ही बढ़िया ठीक है चलो भाई जो भी लोग सॉल्व नहीं कर पाए जो भी लोग क्या कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है ना सिर्फ एक व्यक्ति ने सॉल्व किया है तो उन सब के लिए स्टार्ट करते हैं आठ का अरेंजमेंट है ठीक है आठ मेंबर से क्या है तीन लोग एक फैमिली के हैं बाकी पांच लोग अलग फैमिली के हैं है ना शुरुआत करते हैं यहां से मुझे कंडीशन दी गई थी द राइट ऑफ जी फीमेल है ना इकेंड टू द राइट ऑफ जी अ फीमेल हो गई और ई e हमारा सेकेंड राइट right पर यहां आ गया ई e मेल भी हो सकता है ई e फीमेल भी हो सकता है ठीक है फिर आगे क्या बोला गया डी इज द वाइफ ऑफ एच या फिर हाँ ये देखो B sits on the immediate left of G who is a wife of E. अगर E की वाइफ है तो B हमारे पास यहाँ आ जाएगा और B sits immediate left of G तो ये यह मेरा यहाँ आ गया और एक चीज मुझे पता लग गई क्या कि जो B है वो किसकी वाइफ है E की वाइफ है है ना आ, यही बोला है ना आ, B sits immediate left ऑफ of... अच्छा G who is the wife of E. G क्या है E की वाइफ है तो G को आप बना दीजिए E की वाइफ यहाँ पर है ना जी हमारे पास क्या होगी ई e की वाइफ हो जाएगी ई e हमारे पास क्या हो जाएगा मेल मेंबर ओके कोई दिक्कत कोई परेशानी फिर हमारे पास क्या कंडीशन है हो गया ये सारी चीजें हो गई हाँ एंड में दिया है बी इज द सन ऑफ ई तो बी क्या है सन ऑफ ई हो गया बी हमारे पास सन ऑफ ई हो गया तो बी हमारा मेल मेंबर निकल कर आ गया ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी सारी की सारी चीजें हो गई अरेंज फिर बोल रहा है डी इज द वाइफ ऑफ एच एन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी द लेफ्ट ऑफ बी कौन बैठा है डी और डी इज डी हमारे पास वाइफ हो जाएगी ठीक है फिर बोल रहा है डी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ हर हस्बैंड हस्बैंड कौन है एच तो एच आ जाएगा इधर एच हो गया मेल मेंबर ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे क्या बोला गया आगे बोल रहा है F sits F is इज sister ऑफ H. F क्या है है। H की sister है. तो दूसरा हम फैमिली बना लेते हैं दूसरी फैमिली हमारी किस प्रकार से बनेगी देखो तीन member वाली फैमिली गई। दूसरी फैमिली कैसे बनेगी D हमारी क्या है H की वाइफ है H हमारा क्या है मेल मेंबर फिर क्या बोला है देखो जरा F इज द सिस्टर ऑफ H. F हमारे पास क्या है H की सिस्टर है ठीक है F is the sister of H and is not exactly between G and E. G और E के exactly between नहीं है तो F या तो यहां आएगा F या तो यहां आएगा है ना उसके बाद क्या बोला है C सिट्स ऑपोजिट टू हर सिस्टर एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A. C क्या है अपनी सिस्टर के ऑपोजिट बैठती है और सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A बैठती है तो यहां से सेकेंड लेफ्ट नहीं आएगा यहां से सेकेंड लेफ्ट आ सकता है है ना तो A को या तो आप इधर रखोगे C को या तो आप इधर रखोगे है ना ए हु इज द सन ऑफ एच ए क्या है एच का सन है ए हमारे पास यहां आ जाएगा अब एफ को मुझे अरेंज करना है एफ या तो इधर आ सकता है F या तो तो यहां पर पर आ या के हमारी A और C के लिए हो गई तो F को हमें यहीं पर अरेंज करना पड़ेगा ये हमारे पास यहां आ जाएगा है ना अब सी सिट्स ऑपोजिट टू हर सिस्टर सिस्टर के ऑपोजिट अगर मैं सी को यहां बैठाऊंगा तो बी के ऑपोजिट आ जाएगा बी हमारा सिस्टर नहीं हो सकता तो सी को आपको यहीं बैठाना पड़ेगा सी हमारे पास फीमेल मेंबर और ए हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए हो गया मेल मेंबर सी अपनी सिस्टर के ऑपोजिट बैठी है दैट सी हमारी क्या हो जाएगी डी की सिस्टर हो जाएगी और इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट बन जाएगा है ना दिखने में यह सवाल कठिन लग रहा था बट इसको मैं डुएबल कैटेगरी में रखूंगा डुएबल कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन थी हमें कोई केसेस भी नहीं बनाने पड़े और बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है ना तो बताओ ये सवाल जोर से लगा कि नहीं लगा है ना बताओ ये सवाल जोर से लगा कि नहीं लगा एक बार यस मार्क मार्क कर कर दो या कर दो या है ना तो आई थिंक जोर से लग गया ये सवाल है ना जोर से लगने का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था जैसे कलम ने मंथ वाला सवाल किया था वो भी मजेदार क्वेश्चन था वहां पर आपको डायरेक्टली कुछ नहीं दिया था आपको दिमाग लगा के चीजों को फिगर आउट करना था ओके? तो डेली बेसिस पर एकाद सवाल आपको ऐसा मैं करवाता रहूंगा जो आपको चैलेंज करेगा और आपको मजबूर करेगा अपने दिमाग को इस्तेमाल करने पर ठीक है ना चलो ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेन सेकेंड्स के लिए मैं आपको इंग्लिश का क्वेश्चन दिखाने वाला हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके स्क्रीन शॉट डन है और टेन सेकेंड्स के लिए ही मैं आपको हिंदी का सवाल दिखाने वाला हूं ओके फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके आई होप स्क्रीन शॉट डन है स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको क्या करना है है ना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इस पजल का अरेंजमेंट शेयर करना है ताकि आपका नाम भी कल बॉल ऑफ कमेंट्स पर आ पाए ओके okay? साथ के साथ अगर आप एस बी क्लर्क की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेक्शन 2023 पेड बैच को परचेस कर सकते हैं क्लासेस आपकी 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और डेली दोपहर दो, दो बजे आपकी रीजनिंग की क्लास यहां पर होती है और टेस्टबुक बुक पर इस समय चल रही है एंड ऑफ नवंबर से अगर आप कोड अप्लाई करेंगे यहां पर आपको सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लाइव और रिकॉर्डेड पेड कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा है ना साथ के साथ और क्या क्या मिलने वाला है आगे मैं आपको बताता हूँ फ्री क्लासेस भी हमारी डेली बेसिस पर होती है रीजनिंग की है ना तो सुबह ग्यारह बजे रात को आठ बजे यूट्यूब पर ये दोनों क्लासेस होती हैं और दोपहर साढ़े बारह बजे फ्री मास्टर क्लास टेक्स बुक प्लेटफॉर्म पर इन तीनों क्लासेस में जुड़कर भी आप अपनी रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं सुपर पैक के बारे में मैं आपको बता रहा था इंटरव्यू प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रिपरेशन लाइव स्ट्रैटेजी सेशन टेक्स बुक पास प्रो जिससे आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं और इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट की बहुत ही बेहतरीन बुक्स जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कोड याद रखिएगा विधु वीआईडीएच ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर पाए अपने परचेसिस पर साथ के साथ टेलीग्राम चैनल विधु शर्मा सर टेक्स बुक और रीजनिंग वाले भैया ज्वाइन जरूर कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ वन ऑन वन बातचीत कर पाए कनेक्टेड रहे हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ के साथ सारी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको टाइमली मिलते रहे ओके तो जितने भी लोग सेशन में एंड तक बने रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर मार्क कीजिएगा और ये भी बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा ओके सो विद थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन मिलते हैं नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरी देखते देखते आ गया है दिसंबर और एक महीने में हो जाएगा ये साल खत्म लेकिन अगर आपको सिलेक्शन का सपना करना है साकार तो इस 27 से 30 नवंबर आ गया है एंड ऑफ नवंबर सेल करो सुपर से ऊपर की तैयारी अपटू 90% परसेंट ऑफ एंड 50% परसेंट एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए